जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आज पर्यवेक्षकों के नाम तय हो सकते हैं, जहां रायपुर में बीजेपी विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, फिर 9 तारीख को मुख्यमंत्री पद का ऐलान भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक आज तय किए जाएंगे। रायपुर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ ही पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों से रायशुमारी जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का ऐलान भी किया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में बीते दिन पर्यवेक्षक नाम तय नहीं हो सके। दिन भर नेताओं की बैठक जारी रही और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। नड्डा के निवास पर काफी देर तक दोनों के बीच चर्चाएं हुई। रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहट सीट से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब बात करें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर भी दिल्ली में बीते दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी इस जीत के लिए सम्मानित किए गए। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि ये मेरी नहीं बल्कि पूरे टीम की जीत है। इसके पहले बुधवार को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीते 2 सांसदों अरुण साव और गोमती साय ने लोकसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया था। वहीं रेणुका सिंह भी दिल्ली में है। इस्तीफे के बाद पर उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा ही हम काम करेंगे। तूफान मिचौंग का असर अब देखने को मिल रहा है। जहां सरगुजा में चने की फसल बर्बाद हुई, तो वहीं रायपुर समेत कई जिलों में पारा 6 से 8 डिग्री तक कम हो चुका है। एक बार फिर से ठंडक में बढ़ोतरी अब देखने को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर आज भी दिख रहा है। जहां सरगुजा संभाग में चने की फसल बर्बाद हो गई, वहीं 4 दिनों से धान की खरीदी भी बंद है। सामरी और मैनपाट में चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में बात करें तो हल्की बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ी हुई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से लेकर 8 डिग्री तक की गिरावट है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा के साथ ही ठंडक बढ़ चुकी है। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो बीते दिन से प्रदेश के अधिकतम तापमान बढ़े हुए हैं और न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार है। यानी और बात करें आज से ठंड और बढ़ सकती है। सरगुजा संभाग के सामरी और मैनपाट में चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां बेमौसम बारिश की वजह से मिलेट्स की फसल कोदो को भी नुकसान हुआ है। फसल काटी जा चुकी है जो खेत खलिहान में पड़े हैं। शुगर फ्री चावल और पौष्टिक होने के कारण कोदो की डिमांड काफी बढ़ी है। भीगने से फसल बर्बाद हो रही है और इधर मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2 दिनों बाद ही मौसम साफ होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की पॉलिटिक्स लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में लगातार एक्शन देखने को मिल रहे हैं। ब्रिजमोहन ने लोगों से पूछा है कि रफ्तार ठीक है या नहीं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बुलडोजर की एंट्री हो गई है। रिजल्ट के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर में चढ़कर जश्न मनाया था। इसी के बाद से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे हैं। रायपुर को 5 दिसंबर को पहली कार्यवाही हुई, जिसके बाद 7 दिसंबर को तीसरे दिन भी अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर कार्यवाही जारी रही। हालांकि बुलडोजर वाली कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिनके दुकानों के पास कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उनका कहना है कि बिना किसी सूचना कार्यवाही करना ठीक नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा है कि गरीबों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चल रहा है। इस पर बीजेपी ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। एक कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजमोहन अग्रवाल ने सबके सामने आकर बुलडोजर के नारे लगाने लगे तो उन्होंने भी पूछा रफ्तार ठीक है या नहीं। इसके अलावा बात करें तो बड़ी कार्यवाहियों की तो 5 दिसंबर को सालिम स्कूल के पास मोतीबाग में चौपाटी हटाई गई, जहां 35 से ज्यादा ठेले हटाए गए। उसी रात जी रोड में कार्यवाही की गई, जहां 40 अवैध ठेले हटाए गए। 6 दिसंबर को विधानसभा रोड में सरकारी जमीन पर कब्जे किए गए हटाए गए, जहां 57 अवैध ठेलों को और गुमटियों को हटाया गया। साथ ही आज के दिन की बात करें तो यहां पर भी अभी कार्यवाही जारी है। और वहीं बीते दिन की बात करें तो अनुपम गार्डन के पास अवैध दुकानों को हटाया गया, जहां भारत माता चौक, अशोक नगर सड़क किनारे लगे अवैध दुकानों पर कार्यवाही हुई। 60 से ज्यादा अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई। बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई में भी इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी है।
छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के बाद नगर निगम में कमल खिलाने की तैयारी में भाजपा इन दिनों दिखाई दे रही है। रायपुर के बाद अब बीरगांव महापौर से इस्तीफे की मांग हो रही है। रायपुर निगम जिस तरह अब बीरगांव, अब नगर निगम में भी महापौर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मूलभूत सुविधाओं को पूरा न करने को लेकर मेयर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं यहां पर कांग्रेस के 20, बीजेपी के 14 जबकि 6 निर्दलीय पार्षद भी हैं, जिनमें से बीजेपी महापौर को इस्तीफे को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार बदलने के साथ ही अब एक बार फिर से बीजेपी का पार्षद दल रायपुर नगर पालिका निगम में कांग्रेस की सत्ता बदलाव के लिए रणनीति बना रहा है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के मुताबिक कांग्रेस के पास नगर पालिका निगम में बहुमत नहीं है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसी नैतिकता के साथ महापौर एजाज ढेबर को इस्तीफा देना चाहिए। बलरामपुर में राम मंदिर के अक्षत कलश का स्वागत किया गया। अयोध्या से अक्षत कलश रामानुजगंज पहुंचा हुआ है। बारिश में भीगते हुए भक्तों ने यहां पर शोभा यात्रा निकाली। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का अंतिम चरण चल रहा है। रामलला के नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी और इस भव्य कार्यक्रम में राम भक्तों को आमंत्रित करने के लिए अक्षत कलश बलरामपुर रामानुजगंज पहुंचा हुआ है। अक्षत कलश के स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए शहर में अक्षत कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली। अयोध्या रामलला मंदिर से आए अक्षत कलश का वितरण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा। अयोध्या से अक्षत कलश रामानुजगंज पहुंचा तो चारों तरफ भक्तिमय माहौल बन गया। शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर अक्षत कलश की आरती उतारी और पूजा अर्चना की। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए सिर पर कलश रख करके शहर का भ्रमण भी किया। मुख्यमंत्री पद के लिए रोज नए चेहरे उभर कर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनेगी 12 तारीख तक, ऐसे में रमेश बैस, रामविचार नेताम के नाम भी अब उभरते नजर आ रहे हैं। रेणुका के इस्तीफे से चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद चौथे दिन यानी गुरुवार को भी सीएम पद को लेकर मंथन और संशय की स्थिति कायम रही, जहां इस पद के लिए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, अलावा केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ओपी चौधरी और सांसद सरोज पांडे का नाम चर्चा में था। तो वहीं गुरुवार को भाजपा हलके में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम के नाम भी अब चर्चा में आ गए हैं। बैस का नाम ओबीसी चेहरे के रूप में तथा रामविचार का नाम आदिवासी प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है। जहां तक नामों की घोषणा का सवाल है तो सूत्रों के अनुसार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यहां शुक्रवार को और शनिवार को आने वाले पर्यवेक्षकों के विधायक दल की राय के बाद ही तय होगा। खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ में 12 दिसंबर तक सीएम पद अपना शपथ ले सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ भाजपा के पर्यवेक्षक बीते दिन दिल्ली से रायपुर आ सकते हैं। वहीं बात करें तो यहां बताते हैं कि गुरुवार को यानी बीते दिन दिल्ली में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर भी बातचीत हुई। राजधानी में आने वाले दो दिनों में पर्यवेक्षक अगर नहीं पहुंचते है तो विधायकों से राय सुमारी की जा सकती है। इसके तुरंत बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने इस बार छत्तीसगढ़ से 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। ओपी चौधरी ने नालंदा परिसर का जायजा लिया, छात्रों से बातचीत की और उनकी जरूरतों को समझा। दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के बाद से राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश जारी है, इसी के साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी जारी है, ट्वीट वाली सियासत भी जारी है। बीजेपी विधायक ओपी चौधरी भी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल देर रात विधायक ओपी चौधरी ने नालंदा परिसर का जायजा लिया, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत की। इसके अलावा उनकी जरूरतों और सुधार कार्यों के बारे में भी जाना। दूसरी बार विधायक चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार ओपी चौधरी को 1,29,134 वोट मिले, उनके खाते में 63% वोट आए। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश सक्रजीत नाइक रहे, जिन्होंने तकरीबन 64,691 वोट हासिल किया।
बीजेपी सरकार में सरगुजा संभाग का दबदबा इस बार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के दावेदारों में चार चेहरे, किसी एक को यहां पर इसकी कमान मिल सकती है, जिनमें से दो से तीन मंत्री भी बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार में सरगुजा संभाग का दबदबा रहने वाला है। मुख्यमंत्री के दावेदारों में चार बड़े नाम विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, राव विचार नेताम और गोमती साय सरगुजा से हैं। इनमें से किसी एक को छत्तीसगढ़ की कमान मिल सकती है। इस स्थिति में दो से तीन मंत्री भी सरगुजा संभाग को मिलने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की सभी सीटें भाजपा ने कांग्रेस के कब्जे से छीन ली है और अब तक के राजनीतिक इतिहास में भाजपा का यह श्रेष्ठतम प्रदर्शन रहा है। 2018 में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। अपनी खोई जमीन वापस लाने पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सांसद गोमती साय, पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम को चुनाव में उतारा था। सभी ने अपनी जीत दर्ज की है और भाजपा की आंधी में कांग्रेस के दिग्गजों के नए चेहरों को पटखनी भी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि आज भाजपा के संसदीय बोर्ड की यहां पर बैठक होगी। बीते दिन संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं आज विधायक दल की बैठक में विधायकों से राय सुमारी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई कॉलेज इत्यादि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख और छात्रवृत्ति प्रभारी, साथ ही उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पात्रता रखते हैं, उनको सूचित किया जा रहा है कि शिक्षा सत्र 2023-24 के ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए यानी 12वीं से उच्चतर के स्वीकृति के लिए वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है, जिसके अंतर्गत संस्थानों के प्रस्ताव स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग के द्वारा तिथि को निर्धारित कर दिया गया है। आप जो है 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल को लॉक करने के लिए 15 दिसंबर से 20 जनवरी तक का समय रहेगा। वहीं अगर बात करें तो संस्कृति लॉक करने के लिए 15 दिसंबर से 24 जनवरी तक के लिए यहां पर समय को निर्धारित किया गया है। आंदोलनकर्ता अपना द्वितीय वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार इनकी अब तक कोई भी बातों को नहीं सुन रही है। पिछले दो साल से बीएसएफ कैंप, फर्जी मुठभेड़ और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज बेचाखाट कुटरी नदी के किनारे आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को आज पूरा हुए दो साल हो चुके हैं। आंदोलन अपना वर्षगांठ मना रहा है। छोटे बेटिया को बेचाखाट में काफी लंबे समय से ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की आस लगाए बैठे हुए हैं। आंदोलन के दो वर्ष पूरा होने पर सर्व आदिवासी समाज अपनी वर्षगांठ मना रहा है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, लेकिन सरकार की कानों तक जू भी नहीं रेंग रहा है। भूपेश बघेल समीक्षा बैठक में शामिल होने दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इनका कहना है कि जो गरीबों की बस्ती है इनको उजाड़ा जा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की समीक्षा 8 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। इस बैठक में बात करें तो शामिल होने कार्यवाही में कार्यकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं दोपहर लगभग 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी मेंबर के साथ बैठक होगी। हार की वजहों को लेकर के इनमें चर्चा की जानी है कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार है। समीक्षा होगी तब पता चलेगा कि कारण क्या रहे। हमने शुरू से ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनादेश हमारे लिए स्वीकार है। ब्रजमोहन अग्रवाल को 75 किलो पंचमेवा से तोला गया। ऐतिहासिक जीत पर खरोरा में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने इनको बधाई दी। दरअसल रायपुर दक्षिण से रिकॉर्ड मतों से 8वीं बार जीतने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल को बधाई देने के लिए खरोरा में लोगों का तांता लग गया। राजधानी नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से हजारों लोग उनको बधाई देने पहुंचे। उनको 75 किलो पंचमेवा से तोला गया। बधाई देने वालों में आम नागरिक से लेकर के खास तक यानी सभी लोग शामिल थे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं अलावा उनके करीबी अनिल अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, संजय चौधरी, रमन सराफ, शुभमन चौधरी, इसके अलावा गोपाल अग्रवाल, राजेंद्र सराफ, इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल को बधाई देने ये लोग भी पहुंचे।
ईवीएम के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल जवाब किए गए तो इन्होंने कहा कि बीजेपी को बड़ी जोर से मिर्ची लगती है अगर कोई ईवीएम के बारे में चर्चा करे। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कार्यवाहक अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 दिसंबर को नई दिल्ली गए, जहां इसके पहले उन्होंने रायपुर में मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते नजर आए। मीडिया ने सवाल किया कि ईवीएम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ भी बोलो तो भाजपा को बड़ी जोर की मिर्ची लगती है। इतनी जोर की मिर्ची क्यों लगती है? बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर जोर दिया है। 10वीं और 12वीं ओपन परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जारी हो चुके हैं और एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के ओपन स्कूल परीक्षाओं को लेकर, तो कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य एवं अवसर परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित होनी है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन फॉर्म कांकेर जिले के विभिन्न विकास खंडों में 14 अध्ययन केंद्रों में वितरित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपने निवास के नजदीकी विकास खंड के अध्ययन केंद्रों में जाकर आवेदन फॉर्म